सो हेलो एवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। यस जितिन क्यार सर, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, हालांकि अब तक तो सबको पता लग गया है, सीयूटी से ड्यू तक का पार्ट वन, सीयूटी से ड्यू तक का पार्ट टू, दोनों पार्ट एंड हो चुके हैं। अब बारी है सीयूटी से ड्यू तक के पार्ट थ्री की। आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परसुइंग बीकॉम ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। थोड़ा चेंज कर देना डायलॉग, सेकेंड ईयर क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर अब तुम लोग बन चुके हो। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, फाइनली तुम लोगों के इतने स्ट्रगल के बाद तुम लोगों ने बोर्ड्स दिए, उसके बाद सीयूटी की प्रिपरेशन करी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जैसे प्रोसेस से भी गुजरे और अब बन चुके हो डेल यूनिवर्सिटी के इस परिवार का एक हिस्सा। तुम लोग मेरे को जरूर बताना कौन सा कॉलेज मिला, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से तुम मेरे को इन्फॉर्म करना है, तो मैंने एक गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखे, उस फॉर्म के थ्रू तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ, और या कोई मैसेज मेरे लिए हो तो वो भी वहाँ पे तुम पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड लव, एंड यस सीयूटी ड्यूटा के पार्ट थ्री की करते हैं शुरुआत। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज हुई तब मेरे को बहुत सारे डाउट्स आए कि भैया आप ये बताओ हमें क्या सीट अपग्रेड करनी चाहिए या फिर हमारे सीट अपग्रेड होने के कितने चांसेस हैं। इस वीडियो के अंदर ये दोनों के दोनों डाउट क्लियर करने वाले हैं, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखना। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, अपने और फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर सकते हो, और यस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कर देना, क्योंकि सीयूटी से ड्यू तक का पार्ट थ्री होगा मोस्ट एंटरटेनिंग मोस्ट एक्साइटिंग। तुम लोग के सारे डाउट्स तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड, तुम्हारी सोसाइटी से रिलेटेड, और साथ में तुम कॉलेज के साथ साथ साइड हसल में क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ सीयूटी से ड्यू तक के पार्ट थ्री में मैं कवर करने वाला हूँ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम लोग का सबसे पहला डाउट मेरे पास ये आ रहा था कि क्या हमें सीट अपग्रेड करनी चाहिए या नहीं। जेन्युइनली बोलूं, तुम लोगों ने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी सबमिट करी होगी ना, उस प्रेफरेंस लिस्ट को तुमने सोच समझ के सबमिट करी होगी, राइट? कोई भी कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन तुम्हें मिला हो, तुम्हें अलॉट हुआ हो, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड अपग्रेड कर देना उसको। अपग्रेड यस, सीट एक्सेप्ट करने के बाद जब कॉलेज की साइड से अप्रूवल मिल जाएगा, जब तुम फीस की पेमेंट कर दोगे, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएंगे, फ्रीज या फिर अपग्रेड। वहाँ पे अपग्रेड कर देना अगर तुम्हें कोई ऐसा कॉलेज मिला जहाँ तुम्हें लगता है उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, राइट? मैंने अभी तक मोस्ट ऑफ मेजोरिटी को बोला है अपग्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि एट द एंड तुम लोगों को जब नेक्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो रहा होगा तो तुम्हारी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो ऊपर से वापस से चेक होगी, नीचे से नहीं। सपोज मैं अगर एग्जांपल लेके समझाऊं तो तुमने अगर 10th नंबर पे रख रखा होगा गार्गी कॉलेज को, राइट? 10th नंबर वाला कॉलेज अगर तुम्हें अभी अलॉट हुआ होगा तो तुम्हारा जो अपग्रेड होगी सीट नेक्स्ट राउंड में वो तुम्हारे ऊपर वाले कॉलेज में नहीं हो रही होगी। गार्गी अगर 10वें नंबर पर है ना तो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट वापस से नंबर 1 से चेक होगी, क्या तुम अब सेकंड लिस्ट में नंबर 1 वाले कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, क्या नंबर 2 के लिए एलिजिबल हो, क्या नंबर 3 के लिए एलिजिबल हो, ऐसे करके फिर नीचे आएंगे। इसका मतलब ये है तुम्हारे चांसेस हैं गार्गी के ऊपर वाले कॉलेज की जगह सबसे ऊपर से बिल्कुल स्टार्टिंग से तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी कॉम्बिनेशन होगा वहाँ से तुम्हारी एलिजिबिलिटी चेक होती हो तो फिर नीचे आए। तो इस केस में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तुम्हें एक बेस्ट कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन अलॉट हो सकता है। अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिला हो या साउथ कैंपस मिला हो या ऑफ कैंपस मिला हो, मैंने सबको अभी तक ये सजेस्ट किया है तुम लोगों को सीट अपग्रेड करनी चाहिए, एटलीस्ट लग तो ट्राई करो। लेकिन मैं तुम्हें अपग्रेड के लिए नहीं कहूँगा अगर तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गलत सबमिट कर रखी होगी। एग्जांपल देके समझाता हूँ, हो सकता है तुमने अपने जितने भी स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन हो वो तुमने बीकॉम डाल दिया हो और लास्ट में जो अभी तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है वो तुम्हारा 10th नंबर का कोई कॉलेज था जिसके अंदर तुमने बीकॉम ऑनर्स डाल रखा होगा। अभी तुमने यहाँ पे अगर अपग्रेड कर दिया तुम्हें नेक्स्ट राउंड में पता है हाईएस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो बीकॉम प्रोग्राम मिल रहा होगा जिसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू बीकॉम ऑनर्स। समझ आया? इस केस में लॉजिक के साथ बोलूं तो जो अभी करंट कॉलेज तुम्हें अलॉट हुए वही ठीक है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम अपने करंट अलॉटेड कॉलेज को फ्रीज कर सकते हो। बट ये तभी करना जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं थी जो तुमने सबमिट करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, ऊपर के जो हाईएस्ट ऑर्डर वाले कॉम्बिनेशन हैं उनमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगले राउंड में अगर गलती से वो कॉम्बिनेशन मिल गया, पता है ना फर्स्ट अलॉटमेंट में जो सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी, मतलब सेकंड लिस्ट में जब तुम्हें कोई भी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन अगर अलॉट होता है अपग्रेड होने के बाद तुम्हें कंपलसरी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो अभी तुम्हें फर्स्ट लिस्ट में मिली है वो तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। समझ आ गया? और अब बात करते हैं सीट अपग्रेड होने की कितने चांसेस होते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कितने एडमिशन कैंसिल हुए हैं फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद, मतलब
ऐसे कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जनरल की भी मैं बात करूँ, कभी एक बार डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट होते हैं ना या फिर कोई इन्फॉर्मेशन फॉल्स प्रेजेंट करी होती है एडमिशन फॉर्म में, तो कॉलेज के पास ये राइट है कि एडमिशन वो कैंसिल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट अलॉटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कैंसिल हुए होंगे तो तुम्हारी उस केस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि नेक्स्ट फर्दर राउंड में तुम्हारी सीट अपग्रेड हो जाए। भैया मैं ये बताऊँ, हमें पता कैसे चलेगा कि अब फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद कितनी सीट्स वैकेंट हैं उस कॉलेज प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन के लिए? ये जानकारी भी तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे प्रोवाइड करेगा वैकेंट लिस्ट के नाम से। वहाँ पे तुम देख पाओगे कि कौन से कॉलेज में किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स बाकी हैं, वो भी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन रहेगा उसमें। आई होप ये वाला तुम्हें पॉइंट समझ आ गया होगा। लेकिन सीट अपग्रेड होने की प्रोबेबिलिटीज दूसरे फैक्टर पे भी ज़्यादा डिपेंड करती है, और ये दूसरा फैक्टर है कि कितने स्टूडेंट ने वो सीट छोड़ दी, खुद ही छोड़ दी। मतलब ये कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चेक ही नहीं करते, जो कि भूल जाते हैं कि हमें कॉलेज भी अलॉट हुआ होगा, या फिर कभी कभार लोग पेमेंट करना भूल जाते हैं, सो उन केस में वो सीट कैंसिल हो जाती है, उन सीट्स को भी नेक्स्ट फर्दर राउंड्स के लिए छोड़ दिया जाता है, दैट नेक्स्ट अलॉटमेंट के टाइम पे वो वैकेंट सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाए। समझ आ गया? मतलब सीट अपग्रेड होना तुम्हारे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर किसी का एडमिशन फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद कैंसिल हुआ होगा, या फिर दूसरा पॉइंट अगर किसी ने खुद ही वो सीट छोड़ दी होगी, फीस पेमेंट करना भूल गया होगा, तब भी वो सीट वैकेंट हो सकती है। जितनी ज़्यादा सीट वैकेंट होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी कि नेक्स्ट राउंड में तुम्हें कोई बेटर कॉलेज मिल पाएगा। आई विल रियली प्रे यार फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद जब सेकंड अलॉटमेंट की बारी आएगी, यस 16 अगस्त से पहले सेकंड अलॉटमेंट का प्रोसीजर भी रैपअप हो जाएगा। और यार अगर तुम्हें फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, देन अभी फ़िलहाल थोड़ा वेट कर लो। आई रियली प्रे कि यार सेकंड लिस्ट में कोई ना कोई कॉलेज जरूर अलॉट हो जाए, अदरवाइज अपनी तरफ से बैकअप जरूर रख के रखना। लास्ट तक टिके रहोगे, लास्ट तक रुकोगे तो हो सकता है ना इधर के रह जाओ ना उधर के। आई होप जो भी तुम्हारे डाउट्स थे अपग्रेड फीचर्स रिलेटेड मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है अपग्रेड और फ्री फीचर्स रिलेटेड तो तुम आई बटन पे चेक करना, आई बटन में मैंने ऑलरेडी सारे के सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कर रखे हैं, वो वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। यस इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना और उनको बता देना अगर अपग्रेड करना है तो मैंने इस वीडियो में जो भी बातें बताई हैं उन सभी बातों का ध्यान रखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तुम लोगों के लिए जो गूगल फॉर्म रिलीज कर रखा है उस गूगल फॉर्म को अच्छे से फिल कर देना और मेरे को जरूर बताना कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स। जल्दी मिलते हैं तुम लोगों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, अब तो एक ही परिवार का हिस्सा है हम। हर बार का है अभी भी कहूँगा, हार कभी मत मानना अपनी ज़िंदगी में, सपने देखना कभी मत छोड़ना। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब रिलीज हुई थी तब खुद ही महसूस करा होगा ना कैसा फील होता है सपने पूरे होने पर। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का।